आए दिन बॉलीवुड सेलेब्स अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई बातों का खुलासा करके सुर्खियों में आ जाते हैं। वहीं एक वक्त था जब सेलेब्स मीडिया में कुछ भी कहने से दूर रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब भी उनसे जो भी पूछा जाता है वो बेबाक अंदाज में अपना बयान देते हैं, जिस वजह से वो कई बार अपने लिए तो कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट कर लेते हैं। और हाल ही में एक FM चैनल पर एक चैट शो में फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर से बातचीत में एक्ट्रेस विद्या बालन ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले, जिसे जानने के बाद यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर विद्या बालन ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े किन बातों का खुलासा किया है। विद्या बालन ना सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग बल्कि अपने बोल्ड और बेबाक बयानों की वजह से भी चर्चाओं में रहती हैं। पहले भी कई बार विद्या बालन शादी, बॉलीवुड या बच्चों के सवाल पर बोल्ड बयान देते हुए नजर आई हैं। विद्या बालन का ऐसा ही अवतार एक बार फिर नजर आया। इस बार विद्या बालन से सवाल किसी जर्नलिस्ट ने नहीं बल्कि करण जौहर ने किया था और वो उसका जवाब दे रही थीं। जी हाँ, करण जौहर के रेडियो शो करण कॉलिंग में विद्या बालन ने करण जौहर के साथ अपने बेडरूम सीक्रेट्स बताए हैं। इस शो में विद्या बालन के साथ वाणी कपूर भी शामिल थी। करण जौहर ने विद्या बालन से पूछा कि बेडरूम में उन्हें लाइट्स खुली रखना पसंद है या बंद। इस पर विद्या बालन अपना जवाब देने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाई और जवाब देती हैं कि उन्हें बेडरूम में हल्की रोशनी पसंद है। करण ने उनसे ये भी सवाल किया कि उन्हें बेडरूम में म्यूजिक पसंद है या कैंडल। इस पर विद्या ने कहा कि उन्हें दोनों ही पसंद है। सवाल यहीं खत्म नहीं हुए। करण जौहर ने विद्या से तीसरा सवाल पूछा कि बात करते हैं बेडशीट्स की, आपको क्या पसंद है, कॉटन या सिल्क। विद्या ने बिना समय लेते हुए कहा, हमेशा कॉटन, और जोर से हंसते हुए बोली कि सिल्क कपड़े का मुझे अंदाजा नहीं है। करण ने एक और सवाल किया कि एक्ट खत्म होने के बाद यानी कि हम बिस्तर होने के बाद आप क्या लेना पसंद करती हैं, चॉकलेट, ग्रीन टी या राउंड। तो इस पर विद्या ने अपने अंदाज में जवाब दिया जिससे करण जौहर भी शर्मा गए। विद्या बालन कहती हैं, मुझे एक्ट के बाद पानी चाहिए होता है क्योंकि मुझे उस दौरान काफी ज्यादा प्यास लगती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, करण कॉलिंग में करण द्वारा पूछे गए इस तरह के सवाल सामाजिक मुद्दों पर गलत हैं या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।